कुछ लोग अपनी सफलता की कहानियां लगातार लिखते जाते हैं, उनका बिजनेस लगातार बढ़ता जाता है, और कुछ लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, उनका बिजनेस लेवल वही रहता है, सिर्फ वो दाल रोटी खाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सब स्किल्स होती है। जब हम सेल्स की स्किल्स नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम आपको बात करेंगे सुपरमार्केट में जब भी हम जाते हैं खरीदी करने के लिए, हमारे एक चीज खरीदी की को इरादे से जाते हैं, लेकिन हमें जैसे ही अंदर जाएंगे हमें बास्केट थमा दिया जाता है। हम बास्केट में ताकि हम ज्यादा माल खरीदी करेंगे, और सबसे पहले एंट्री होती है, आपने देखना आपको चॉकलेट है, आइसक्रीम है, और ये बिस्किट ये नीचे की ओर रहता है ताकि अपने साथ बच्चे होते हैं तो उन्हें वो जिद करेंगे लेने के लिए, और हमें लेना पड़ेगा। और नमक, आटा, मिर्चे, ये सब दाल, ये सब अंदर की ओर रहते हैं ताकि कस्टमर अंदर तक जाए, और अंदर तक जाने से और भी आइटम हमें देखने को मिलती है तो मन ललचाता है, तो बहुत सारी खरीदी हो जाती है, तो उनका बिजनेस ऐसे बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट आपने देखा होगा, वहां पर कभी विंडो और बालकोनी नहीं होती, खिड़की नहीं होती, क्योंकि अगर खिड़की विंडो अगर होगी तो हमारा समय काफी जाहिर हो जाता है, और उनका टारगेट होता है हमारा समय सिर्फ खरीदी करने में फोकस रहे, ये स्किल्स होती है। ऐसे ही टिप्स मेरे चैनल में आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, आप बस मेरे चैनल पे जाएं हंसराज बोराना यूट्यूब और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा कोर्स पूरा आपको स्टडी मिल जाएगी। अभी मैंने बिजनेस के लिए लगभग 400 से ऊपर मैंने कोर्स बना दिए, बस आप सर्च करें और फ्री में सबका सभी कोर्स का आनंद लीजिए आप।